beauty begins the moment you decide to be yourself. Namaskar, I am Mrs. Bhawna Bishnoi, Classic Mrs. India Rajasthan 2017. I am from Pink City, Jaipur, and I am a fashion designer by profession, and I am running my own fashion studio, Bahara. संभावनाओं की कोई सीमा नहीं होती, जिंदगी कहीं नहीं ठहरती, वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता और उसे रुकना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि हम कोई पहली शुरुआत, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, करनी ही चाहिए। आगे चल के वो बड़ी शुरुआत बनती है। मैं कुछ सोसाइटी और एनजीओ के साथ जुड़कर उनके साथ मिलकर काम करती हूँ और उन बच्चों की मदद करती हूँ जिनके सर पे माता पिता का साया नहीं है। उनकी बेसिक ज़रूरतें, उनके रहने का, उनकी पढ़ाई का पूरी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि माता पिता का प्यार सभी के लिए ज़रूरी है। मेरा मानना है कि बच्चे ही देश का सुनहरा भविष्य लिख सकते हैं, क्योंकि कलम की ताकत तलवार से कहीं अधिक होती है। उन बच्चों को प्यार देकर, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए अग्रसर करके, उनकी सारी जिम्मेदारियों को किसी भी तरह से पूरा करके मैं समाज को, अपने देश को एक सुनहरा भविष्य देने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा मेरा मानना है कि ये बच्चे आगे चलकर ज़रूर देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती, हर शुरुआत छोटी होकर आगे चल के ज़रूर बड़ी होती है। ये बच्चे बहुत प्यारे हैं। इन बच्चों के साथ मुझे अपना बचा हुआ जो मेरा समय दिन का होता है, बहुत अच्छा लगता है। इनके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, इनके साथ खेलती हूँ, इनके साथ बातें करती हूँ, इनको पढ़ाती हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मिसेस इंडिया पेजेंट के ऑर्गेनाइजर्स को, मिसेस इंडिया पेजेंट के नेशनल हेड मिसेस दीपाली फडनिस को और मिसेस जसप्रीत कौर को, जिन्होंने मुझे इस मंच तक आने का मौका दिया और मेरे अंदर जो टैलेंट था उसको प्रदर्शित करने का मौका दिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने सभी उन तमाम मित्रों का, अपने परिवारजनों का, जिन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया, इतना प्यार दिया और इतना सम्मान दिया। मिसेस इंडिया पेजेंट मेरे लिए मात्र एक जीतने की खुशी नहीं है, मेरे लिए एक खुशी है कि मैंने अपने टैलेंट को, अपने अंदर के छुपे हुए उस उत्साह को प्रदर्शित किया जिसकी मैं बहुत बरसों से तलाश में थी। आज लगता है कि मैं खुद को कहीं दूर से निहार रही हूँ। बहुत खुश हूँ और मैं मिसेस दीपाली फडनिस और जसप्रीत कौर का दोबारा से एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मैं आगे तक मिसेस इंडिया जैसे बड़े मंच पर जाकर अपने राजस्थान को रिप्रेजेंट करने का गौरव मुझे मिला है और ये सम्मान मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जीत कर लौटूँ और अपने प्रदेश राजस्थान को बराबर। थैंक यू, शुक्रिया।